जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। फॉर्म भराना कौन सा, आज के दिन फर्जी लोग भी, आज के दिन सिपाही बहाली का, क्लर्क बहाली का फर्जी फॉर्म निकाल करके लोगों को ठगते हैं। छात्र कर दिया जहां अब हम 50 सरकार की आखिरी कैबिनेट होगी संभवतः, जैसा लग रहा है सर। कुछ ऐतिहासिक फैसले आज लंबा भी चला, देर रात तक चला, मीटिंग भी नहीं हुई। देखो आराम से रहो भाई, आराम भाग जाए सब आराम से। आप लोग लेकिन अच्छा भविष्यवाणी करते हैं, मतलब आखिरी कैबिनेट कैसे कह दिया आप? हम संभावना कह रहे थे। आप लोग संभावना है और सूत्र का जो आपका हिसाब किताब है ना, ये ठीक नहीं है। देखिए आज कैबिनेट में बहुत लंबे चौड़े प्रस्ताव आए, 50 से भी अधिक प्रस्ताव आज हम लोगों ने पारित किए। और काफी महत्वपूर्ण, जैसे कि हर कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और शायद आप लोग तो गवाह हैं, लेकिन आप लोग उसको कैसे देखते हैं वो आप लोग पर निर्भर करता है, और कैसे लोगों को दिखाते हैं वो भी आप लोग पर निर्भर करता है। ये डबल इंजन की सरकार में और इस गठबंधन सरकार में प्रोजेक्ट भवन के अंदर और इसके परिसर में यहाँ के कर्मचारी हो या किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, प्रोजेक्ट भवन के कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो या राज्य के आम नागरिक हो, सभी लोग आते हैं जाते हैं और उनसे आप लोग को सवाल जवाब करना चाहिए। तो बिल्कुल आपका स्पष्ट पता चलेगा कि सरकार की गतिविधियां, सरकार के कार्य राजहित में कितनी मजबूती और ईमानदारी के साथ कर रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का डीजल का है, जम्मू कश्मीर हरियाणा का रिजल्ट उस राज्य के लिए है, जिन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बीजेपी बहुत उत्साहित है सर, वहाँ के परिणाम से झारखंड को जोड़ के देख रही है। गठबंधन के, आपके गठबंधन के हिस्सा से, इंडी गठबंधन के हिस्सा से जो लोग भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि आप लोग आज की कैबिनेट की बैठक के दिलचस्प से भी कम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट की उत्सुकता ज्यादा है। नहीं सर, मुझे लग रहा है सर भोगो दी नहीं, देश भी आपको सुनना चाह रहा है कि हेड ऑफ स्टेट है आप यहाँ पे। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, उनकी कोशिश झारखंड में भी जारी है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा और क्या। सर बीजेपी की भोगो जी योजना जो चल रही है, क्या भोगो दीदी किसकी चल रही है बीजेपी, वो क्या है वो फॉर्म भराया जा रहा है सर। आज बाबूलाल भी फॉर्म भरा है। फॉर्म भराना कौन सा, आज के दिन फर्जी लोग भी, आज के दिन सिपाही बहाली का, क्लर्क बहाली का फर्जी फॉर्म निकाल करके लोगों को ठगते हैं। ठगते हैं कि नहीं ठगते? एक्सपर्ट आप लोगों ने देखा है कि नहीं कितने फ्रॉड लोग पूरे देश में है। कभी लॉटरी का टिकट की तरह बांट रहे हैं तो बांट रहे हैं, कल जब ठगाएंगे, जब लोग अपना सर फोड़ेंगे जो लोग फॉर्म भरेंगे, तो वो सब उनका काम है, वो वही लोग ठीक से
बता पाएंगे जो लोग करके आ रहे हैं। सर कैबिनेट आज विदेशों में बच्चों को भेजने का जो हम लोग का 25 छात्रों को भेजने का हम लोग का निर्णय था, आप 25 से बढ़ा करके हम लोगों ने 50 छात्र कर दिया, जहां अब हम 50 बच्चों को हर साल विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। सर उर्दू इसके अलावा नेतरहाट के तर्ज पर आपने देखा कल हम लोगों ने इसका आधारशिला भी रखा, पूरे राज्य में 3 स्कूल या 4 स्कूल सर, ये जो पंचायत बोर्ड पत्रकारों के बीमा का आज जितने भी राज्य में किसी भी विभाग में प्रमोशन को लेकर, एमएसपी को लेकर, वर्दी को लेकर के और भी तरह तरह की जो समस्या है उनके लिए हम लोगों ने आज कैबिनेट में ये निर्णय लिया है। उच्च स्तरीय कमेटी बनेगा जिसमें रिटायर्ड जजेस रहेंगे, राज्य प्रशासनिक रहेंगे, केंद्र प्रशासनिक पदाधिकारी के भी लोग रहेंगे और इंजीनियर भी के भी लोग रहे, इंजीनियर डिपार्टमेंट के भी लोग रहेंगे, शिक्षा विभाग के भी लोग रहेंगे और इमीडिएटली जितना जल्द से जल्द ये कमेटी उन सभी विसंगतियों को स्टडी करके सभी विभागों का जल्द से जल्दी उपलब्ध कराए ताकि हम लोग निर्णय जल्दी से जल्दी बहुत परिचित वो भी आएगा, आप चिंता मत सर। सीनियर के स्टूडेंट की आपसे आज मुलाकात हुई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चेयरमैन के कार्यकर्ता थे, स्टूडेंट नहीं। देखो राजनीतिक लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है और हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं और उसी कार्य को करते हैं जो काम को का एहसास आम लोगों तक हो, उसका लाभ उन लोगों को मिले।